दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्मों में एक्ट्रेस के लिए। अगर जो लड़कियां हैं वो फिल्मों में काम करना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, हाउ दे कैन बिकम अ हीरोइन और लीड रोल और सेकंड लीड रोल और कैरेक्टर रोल। मैं मुंबई से ओपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं फिल्मी मज विद ओपी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर का बटन भी दबा दे, बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ऐसी कुछ बातें और मैं शेयर करने वाला हूं, अदरवाइज आप उसे मिस कर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बनना चाहती है, सबसे पहली बात लड़कियों के लिए वो अपने चेहरे का और फिजिक का ध्यान रखे। चेहरा मींस फेस, स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आज की तारीख में लड़कियां बहुत स्मार्ट है और जमाना बहुत एडवांस हो गया है तो आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन। आप धूप में ना निकले, आप ऑयली चीज ना खाए, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप जानते हैं। अपने स्किन का ख्याल रखिए, आपका चेहरा कोई दाग नहीं होना चाहिए, चेहरे पे पिंपल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि फेस इज द मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी। सबसे पहले कोई आपके चेहरे को ही देखता है, उसके बाद बाकी चीजें, बाकी जो गुण है वो देखता है। तो आपको अपना चेहरा और अपनी फिजिक इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रंगत क्या है, गोरी है, सांवली है, काली है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शायद भूले नहीं होंगे स्मिता पाटिल जी को, एक नंबर की अदाकारा थी, आज तक उसके टक्कर की दूसरी कोई नहीं हुई। सबाना आजमी जी को आप नहीं भूलेंगे, अभी भी है वो बेहतरीन अदाकारा। तो अच्छी अदाकारा बनने के लिए, अच्छी अभिनेत्री बनने के लिए रंगत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भूल जाइए इस बात को कि आप सांवली है तो आपको फिल्मों में काम नहीं मिलेगा, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपको काम जरूर मिलेगा। दूसरी बात, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एजुकेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आठवीं नवीं दसवीं या मैट्रिक पास किया और उसके बाद आप फिल्मों में काम करने के लिए चले आए, तो उससे आपको परेशानी होगी। और मेरी सलाह यही है और अच्छे अच्छे एक्टर और बाकी लोगों की भी सलाह यही है कि आपको अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए, ग्रेजुएशन आपको करना ही चाहिए, ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। वो आपका एक बैकअप प्लान की तरह हो जाएगा, प्लान बी की तरह। मान लीजिए 10% चांसेस है कि आपको फिल्मों में सही रोल नहीं मिला, काम नहीं मिला और आपने काफी स्ट्रगल किया, 5 साल किया, 10 साल किया, लेकिन आप स्टैब्लिश नहीं हो पाए। देखिए ऐसा भी होता है इस इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि जितने लोग आते हैं सबको काम मिल जाता है और सब लोग सफल हो जाते हैं। वैसे समय में ये आपका जो एजुकेशन है ये आपके काम आने वाला है। आपको दूसरी जगह जॉब मिल सकता है, आपके एजुकेशन के बलबूते पे फिल्म इंडस्ट्री में आपको दूसरे काम मिल सकते हैं। इफ यू आर अ ग्रेजुएट, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल सकता है। सब जगह लोग इतना तो आपसे उम्मीद करते हैं, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी ज्वाइन करते हैं, आपको बनना है हीरोइन लेकिन आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनना में ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में हीरो बने। वो ताजा उदाहरण देता हूं रणवीर सिंह का, डायरेक्टर थे और उनका काम बहुत ही मेहनत वाला था, एकदम थक जाते थे वो, लेकिन लगे रहे वो। और आज देखिए रणवीर सिंह कहां पे है। उसके लिए एजुकेशन जरूरी है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आपको थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। आप ऐसे ही कॉलेज में हैं और उसके बाद सीधा आप उठ के मुंबई चले आए तो ये मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। आपको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए एक्टिंग की। एक्टिंग भी एक कला है और उसे सीखने की जरूरत होती है। सीखने के लिए कहां सीखेंगे आप? अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल के टाइम से ही अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे आगे चल के
हीरोइन बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके स्कूल में जो ड्रामा होते हैं उसमें कंपलसरी आप पार्ट लीजिए, वहां आपको सीखने का मौका मिलेगा, वो आपका नर्सरी रहेगा। स्कूल में जब आप ड्रामा करते हैं तो वहां से आपकी शुरुआत होती है। कॉलेज में आजकल सारे जगहों में इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जब आप अपने कॉलेज के ड्रामा में पार्ट लेते हैं और वहां पे डायरेक्टर से जब सीखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसमें आप जरूर भाग लीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों के सामने, ऑडियंस, पब्लिक के सामने कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप के पीछे आपका एक्सपीरियंस हो, कुछ तो हो एक्सपीरियंस। मैंने फाइनली जब आप मुंबई में जाएंगे किसी प्रोडक्शन हाउस में और वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर के सामने आप खड़े होंगे तो आपसे पूछेगा आपने इसके पहले क्या काम किया है, तो आपके साथ फिल्मों का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो आप बोल सकते हैं सर इसके पहले मैंने थिएटर किया है। तो बोले थिएटर कहाँ किया है? मैंने कॉलेज में किया है, इंटर कॉलेज में किया है सर, थिएटर किया है। तो बोले अच्छी बात है, तो फिर भी आपके पीछे कुछ वजन है, कुछ वेट है आपके पीछे। यस, आपने, इस लड़की ने थिएटर में काम किया है, देखने में अच्छी है, फिर आपको बोलेंगे ठीक है आप ये आपको ऑडिशन के देना है, आप ऑडिशन दीजिए। अगर आपने काम किया रहेगा तो आप ऑडिशन अच्छी तरह से दे सकते हैं। तीसरी बात, आज की तारीख में देखने को ये आता है कि ज्यादातर लड़के या लड़कियां सब इंग्लिश मीडियम से हैं और उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी होनी चाहिए। उनका हिंदी का एक्सेंट या उच्चारण सही नहीं होता, वो देखने वाले को लगता है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका हिंदी का एक्सेंट अच्छा होना चाहिए। कहीं पे भी जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप भले डायलॉग हिंदी में, जब भी आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जाए तो वहां जाने के बाद में आप इंग्लिश कीजिए। वहां बाहर जो बंदा होगा ऑफिस के, उससे अगर वो हिंदी इंग्लिश नहीं तो हिंदी में बात कीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। आपको फिर आपको कास्टिंग डायरेक्टर से मिलाया जाएगा या डायरेक्टर आपसे मिलेंगे, आपका ऑडिशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा और आखिरी पॉइंट, आपका पैशन, आपका जुनून। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जुनून कि नहीं मुझे करना है, मुझे कुछ तो करना है, इसमें फिल्मों में काम करना है, मुझे अदाकारा बनना है। जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा, तब तक आपको मंजिल नहीं मिल सकती। मैं इस मंजिल की बात नहीं कर रहा, कोई भी टारगेट अगर आप फिक्स करते हैं अपने लाइफ में, उसके लिए आपके अंदर पैशन का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपको हिम्मत कभी नहीं हारनी है। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हर चीज के लिए मुश्किलें आती है, हर गोल को अचीव करने के लिए मुश्किलें आती है, लेकिन उसका सामना आपको करना है। You have to face it. बहुत बार ऐसा होगा, चलो यार मुंबई में कुछ हो नहीं रहा है, खाली बैठे हुए हैं, घर से पैसे मंगा रही हूं, अपना खर्चा भी नहीं निकल रहा है, लेकिन आपको क्या मालूम कब अगला पल, अगला दिन आपके लिए एक सुनहरा गोल्डन चांस लेके आने वाला है। आपको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। पैशन को जाने मत दीजिएगा, पैशन को छोड़िएगा मत कभी भी, हिम्मत मत हारिएगा कभी भी। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। पैशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए। आप, मैं आपको यहां कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। जब हमने पहली बार 94 में शूट किया था, मेरा खुद का भी एक प्रोडक्शन हाउस है और हम शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, और उस समय हमने 94 में डीडी मेट्रो था और जीटीवी उस समय आया था, जीटीवी था, और जीटीवी के लिए हम लोगों ने एक क्राइम बेस्ड थ्रिलर बनाया था और उसका एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था माटुंगा में। उस सीरियल का नाम था विध्वंस, यूट्यूब में अभी भी है, विध्वंस बाई ओपीज, मेरे ही नाम से है, हमने अपलोड किया हुआ उसमें, उसका क्लिप मैं आपको यहां शेयर करता हूं। Thank you.
की बातें होती है, लेकिन मैं उसको इतना सही नहीं मानता। इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है और अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जरूरत है आप कैसे लेते हैं और आप कैसे अप्रोच करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जाने से पहले फिर एक बार आपको रिमाइंड कराता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक एंड शेयर का बटन दबाए। थैंक यू।